Hey guys, my name is Ankit and welcome back to Baba ka channel. I am in Kerala और मैं बैठा हूँ अपनी लवली होस्ट और लवली दोस्त के लॉन में. लक्ष्मी, थैंक यू लक्ष्मी फॉर लेटिंग मी शूट इन योर लॉन. आई लव आंटी ने कैसे बैकग्राउंड में पीछे प्लांट्स रख दिए ताकि बैकग्राउंड अच्छा सा बन जाए. एंड आई जस्ट लव इट, आई लव द वाइब. सो आई एम इन वारकला एंड आई हैव बीन बैकपैकिंग केरला फॉर अराउंड 10 days नाउ. टुडे इज द डे 10 एंड अभी भी मेरे 3 दिन बाकी है जिसमें से 2 दिन एक्सप्लोरिंग का है और 1 दिन एयर ट्रैवल का है. सो आई थॉट व्हाई डोंट आई मेक अ वीडियो जिसमें आपको भी हेल्प हो, व्हाट टू कैरी ऑन योर बैकपैकिंग ट्रिप एंड हाउ टू एफिशिएंटली पैक फॉर योर बैकपैकिंग ट्रिप. मैंने ऐसी वीडियो 2 साल पहले निकाली थी ऑन हाउ टू पैक योर बैग फॉर योर ट्रैक एंड व्हाट टू कैरी ऑन योर ट्रैक. यू माइट हैव सीन इट बिकॉज इट हैज क्रॉस्ड ओवर 3 लाख व्यूज, 300K व्यूज एंड आई हैव बीन गेटिंग मोर रिक्वेस्ट टू मेक सच वीडियोज. तो वो वाली वीडियो ट्रैक के लिए थी. सो इफ यू आर गोइंग ऑन अ ट्रैक, दिस इज नॉट लेड आउट फॉर अ ट्रैक. अगर आप स्नो में जा रहे हो, अगर आप ठंड में जा रहे हो, यू कैन वॉच दिस वीडियो. आप ये वीडियो देख सकते हो बिकॉज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बैग कैरी करना है, कैसे अपना आपको कौन से बैग चूज करने हैं, आपको क्या सामान चूज करना है. लेकिन अगर आप स्नो ट्रैक पे जा रहे हो, विंटर ट्रैक पे जा रहे हो, माइट हैव जैकेट्स एंड एवरीथिंग, तो उसके लिए आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हो. इट इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग. आई होप यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो एंड इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद दिस सेटअप एंड यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको यही चीजें अपनी बैक पैकिंग ट्रिप पर लेके जानी है. तो पहले ना बेसिक से शुरू करते हैं. अब बैक पैकिंग ट्रिप कितने भी दिन की हो सकती है, हफ्ते की, 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की, 30 दिन की, 2 महीने की, लेकिन यू ओनली हैव योर बॉडी टू कैरी योर बैक पैक्स, राइट, विच मेजरली शुड बी रक्सैक्स, विच आई विल कम टू इन अ बिट. ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 1 महीने के लिए जा रहे हो तो आपको 1 महीने के हिसाब से कपड़े पैक करने या फिर आपको 1 महीने के हिसाब से सामान कैरी करना है. मैक्सिमम डेज कि आपको कितने दिन का सामान कैरी करना है शुड बी 10 days. आई हैव सीन पीपल एंड आई हैव माई सेल्फ, आई हैव गॉन टू मनाली फॉर अ मंथ और मैंने सिर्फ 1 हफ्ते का सामान कैरी करा था बिकॉज आई वॉज ओनली कैरिंग 1 bag. उससे क्या होता है ना, यू हैव एज लिटल स्टफ, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. यू कैन ऑलवेज फाइंड प्लेसेस जहाँ पे आप वॉश कर सकते हो, आप रीयूज कर सकते हो कपड़ों को. 10 दिन से ज्यादा की चीजें कैरी करना थोड़ा सा टफ हो जाता है. अगर आप वेकेशन पे जा रहे हो तो आप तो बड़े बड़े सूट के ट्रॉलीज लेकर जा सकते हो. आप 2 महीने के लिए जा रहे हो, आप पूरा 2 महीने के लिए नए कपड़े, 60 garments वगैरह लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट वेन यू आर बैक पैकिंग इट बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव टू कैरी एवरीथिंग ऑन योर शोल्डर्स. नाउ बिफोर वी बिगिन, the most important thing for a backpacking trip is obviously a bag, a rucksack, right? Jo meri 2 saal purani wali video hai how to carry what and how to carry on your trek, usse maine yehi bag use kara hai. This is Carry Pro ka Hobo 40. I have been using this bag since I think last 5-6 years now and I have no complaints at all. It carries मेरे 2 दिन का सामान, 1 हफ्ते का सामान, 10 दिन का सामान, 2 हफ्ते का सामान, एनीथिंग आई वॉन्ट टू बिकॉज दिस इज स्पेशियस, दिस इज कम्फर्टेबल एंड इट वर्क्स फॉर मी. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आई हैव वेरी सेंसिटिव शोल्डर्स. मेरे को सर्वाइकल की इशू है, मेरे को नेक में पेन हो जाता है अगर मेरा बैग कम्फर्टेबल ना हो. तो अगर ये बैग मेरे लिए कम्फर्टेबल है तो आपके लिए भी 100% कम्फर्टेबल होगा. वेन एवर यू आर चूजिंग अ रक्सैक, मैं ये नहीं कह रहा आप यही लो, वेन एवर यू आर चूजिंग अ रक्सैक यू हैव टू मेक श्योर इट्स evenly distributed. They also have paddings on the strap and the back. उससे क्या होता है, जब आप शोल्डर पर कैरी करते हो तो आपका बैक सपोर्ट अच्छा मिलता है, शोल्डर सपोर्ट अच्छा मिलता है. एंड रक्सैक्स में यूजली क्लिपर्स होते हैं चेस्ट पे और पेट पे, जिससे आपका बैक का वेट बॉडी पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई लीव लिंक्स टू बाय दिस बैग इन द description. My friends at Carry Pro have made it possible because I am a loyal user since 5-6 years. A 10% discount for you all. Only if you want to buy it, go for it. I recommend it 100% because I myself have been using it for 5-6 years. You can use my code BABAPRO to get a 10% discount on anything that I'll show today and more. Agar aap ek saal baad video dekh rahe ho, 2 saal baad video dekh rahe ho, if they have introduced more stuff, you can use my code to get a 10% discount. Now, with addition to this bag, I also carry on my backpacking trip another bag. Okay, now this can be a rucksack if you have a small rucksack, or it can be a backpack. If it's a backpack, you have to make sure it's a very comfortable backpack. Kyunki again,
एक बैग हमेशा मेरे यूजुअली पीछे होता है और एक बैग मेरे आगे होता है। बहुत सारे लोग अपने बैकपैकिंग ट्रिप पे डफल बैग भी कैरी करते हैं। आई वोंट रिकमेंड इट बिकॉज मेरे को अपने हाथ से चीज़ें एक्सेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई हैव टू मेक श्योर दैट माई हैंड्स आर रीचेबल, आई कैन व्लॉग, आई कैन पिक अप स्टफ, आई कैन कीप माई हैंड्स फ्री। सो ओके, अब मैंने ये वीडियो बनाने का डिसाइड तो कर लिया और मेरे सारे सामान पे एंड्स हो गई हैं, तो अब मेरे को या तो वॉश करना पड़ेगा या तो मेरे को झाड़ झाड़ के चीज़ें पैक करनी पड़ेंगी वापस। आई कैरी दिस, दिस इज अगेन कैरी प्रो का होबो 25, दिस इज होबो 40, दिस इज होबो 25, इट एसेंशली मीन्स 40 लीटर्स एंड 25 लीटर्स। नाउ व्हाई डू आई कैरी दिस बैकपैक, बिकॉज दिस इज द मोस्ट फंक्शनल बैकपैक आई हैव एवर सीन। सो आई यूज़ दिस ऑन माई डेली, मैं ये यूज़ करता हूँ ऑफिस वगैरह लेके जाने के लिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी कम्फर्टेबल। इट हैज़ पैडिंग ऑन द स्ट्रैप्स, इट हैज़ पैडिंग ऑन द बैक, इट हैज़ अनलिमिटेड ऑर्गेनाइजर्स, आप कुछ भी अपना सामान ऑर्गेनाइज कर सकते हो, योर केबल, योर ऑफिस स्टफ, योर डायरीज, एंड इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ डे ट्रिप और दो तीन दिन के लिए दोस्तों के घर रहने चाह रहे हो, इसके अंदर इनफ स्पेस है कि आपका बहुत सारा सामान आ जाए। तो इफ़ आई एम नॉट एबल टू फिट एनी थिंग इन दिस, आई फिट इन दिस। देन इसके अंदर एक ये ऐसी स्पेस भी है जिसमें आप अपना कैमरा रख सकते हो, अपने चप्पल रख सकते हो, जूते रख सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड अ कैमरा क्यूब, बट आई यूज़ इट एज पर माई कन्वीनियंस, एंड अगेन पीछे मेरा आराम से लैपटॉप आ सकता है। सो आई कैरी दिस होबो 25 बैक पैक एज माई सेकेंडरी बैग। इससे पहले आपको दिखाऊँ कि आपको अपना बैग कैसे पैक करना है, आई विल टेक यू थ्रू ऑन वॉट आई एम कैरिंग फॉर 10 days। You have to make sure that it's practical. You have to make sure that you are not overdoing it. You have to make sure that you always have to ask yourself a question when you are packing your bag. Do I need this on my backpacking trip? Can I live without it? Can I not live without it? Will it add a benefit to my trip? Agar ye pro hoga ya con hoga? You always have to question about each and everything. ओके, आई स्टार्ट विद द एसेंशियल्स। सबसे पहले आपको अपनी लाइफ थोड़ी ऑर्गेनाइज करके चलनी पड़ेगी। आप अपना सामान, आप अपना बैग के अंदर सामान ऐसे ठूस नहीं सकते कि आपने कपड़े लिए डाल दिए, कपड़े लिए डाल दिए। इट्स बेटर टू बी ऑर्गेनाइज ताकि आपको पता हो, यू आर अवेयर कि आप ट्रिप पे क्या लेके जा रहे हो, कितनी चीज़ें हैं, ईच एंड एवरी पेयर ऑफ सॉक्स। अगर आप 10 पेयर सॉक्स के लेके जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि मेरे 4 बैग में हैं, 4 ड्राई होने को हैं, 2 गंदे हैं, इस पाउच के अंदर है। सो यू हैव टू बी वेरी अवेयर दैट वॉट ऑल आर यू कैरिंग ऑन योर बैक पैकिंग ट्रिप। नाउ आई स्टार्ट विद द बेसिक्स। अब मैंने बोला ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है, सो आई कैरी दीज सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजर्स। जैसे ये ऑर्गेनाइजर है, मैं बताऊँगा इसके अंदर क्या है। This is again one organizer. This is Carry Pro का। मेरा इसके अंदर सारे cables, chargers, wires, camera का charger, AirPods and everything इसके अंदर आ जाते हैं। This is another organizer। इसके अंदर सारा मेरा toiletry का सामान है, everything, even my dietitian supplements इसके अंदर मैं रखता हूँ। एक एक करके मैं आपको सब बताऊँगा। Now everything which I'll tell you also includes कि मैं airport पे क्या पहन के गया था और airport पे क्या पहन के जाऊँगा। इसके अलावा कहीं भी मेरा कोई और सामान नहीं है सिवाय दैट कैमरा। यू कंसिडर वन टॉप एंड वन बॉटम अवे विच आई एम वेयरिंग, विच यू विल वेयर एट द एयरपोर्ट। अभी मैं जीन्स पहन के वीडियो नहीं बना सकता बिकॉज थोड़ी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। कमिंग ऑन टू द क्लोथ्स, नाउ आई एम कैरिंग अपार्ट फ्रॉम दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 टी शर्ट्स इन टोटल, एंड आई एम कैरिंग 1 and 2 शर्ट्स। Now you will say कि 8 garments enough हैं, बहुत enough हैं guys। जैसे जो मेरी itinerary थी उसके हिसाब से मैं 4th और 5th day फोर्ट कोची में था, जहाँ पर मैंने एक चीप एयरबेन भी बुक कराया था जहाँ पर मैं अपने कपड़े वॉश कर सकता हूँ। अगर मैं 12 दिन के बैकपैकिंग ट्रिप पर आ रहा हूँ और मैंने 8 garments करे और मैं 4th दिन पर पहले 4 garments वॉश कर रहा हूँ, बचे 8 दिन और 4 garments, और जो वॉश करे वो 4 garments वो पूरे 8 दिन के लिए कवर हो जाते हैं। आप हॉस्टल में रह रहे हो, आप होम स्टेज में रह रहे हो, आप होटल्स में रह रहे हो, अगर आप B&B's में रह रहे हो, आपको अगर वॉशिंग मशीन पे नहीं है तो अपने हाथ से अगर आप वॉश करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज़ व्हाट अ बजट बैकपैकिंग इज़ ऑल अबाउट। सो 8 पीसेस ऑफ अपर, देन ऑन द बॉटम आई एम कैरिंग 1, 2, 3, 4 ट्राउजर्स, जिसमें से मैं एक एयरपोर्ट पहन कर आया था, तो 4 ट्राउजर्स, 1, 2, 3 शॉर्ट्स।
और इसको मिला के फोर्थ और इसको मिला के नाइन्थ, विच इज मोर देन इनफ. मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही रख लिया है बिकॉज मेरे पास स्पेस बहुत ज्यादा है, इनके अंदर बहुत अच्छे से कपड़े आ जाते हैं. बट अगर मेरे पास ऐसा रक्सैक नहीं होता तो शायद मैं एक शॉर्ट कम और दो ट्राउजर्स कम रखता, बिकॉज आप ट्राउजर्स तीन चार बारी भी पहन सकते हो. तो इट्स हाइजीन के लिए मैं शॉर्ट्स दो दिन से ज्यादा रिपीट नहीं करता. एंड ऑल्सो आई एम कैरिंग अ मुंड which I picked up from Kannur. It's essentially a lungi, but यहाँ पे मुंड बोलते हैं, तो एक वो भी मैंने यहाँ रख लिया. इसके अलावा फॉर योर रक्सैक यू विल नीड अ वाटर प्रूफ कवर, क्योंकि केरला में कभी भी बारिश हो जाती है. और आप कहीं भी जाओगे, अगर आप ट्रैक पे भी जा रहे हो, आप किसी भी लोकेशन में जा रहे हो, तो आपके पास वाटर प्रूफ कवरिंग होनी चाहिए. इस बैग के साथ ही आता है, लेकिन अगर आपके पास रक्सैक कोई और है या फिर आप कोई और खरीद उसका नहीं आता, तो आप मेक श्योर कि आप उसके लिए एक वाटर प्रूफ कवरिंग भी खरीद लें. उसके अलावा आई ओनली कैरी वन पेयर ऑफ शूज, जो मैं एयरपोर्ट भी पहन के आता हूँ, वापस भी पहन के जाऊँगा, मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ यही पहनूंगा. ये भी मैं पिछले 5-6 साल से यूज़ कर रहा हूँ. दिस इज केचुआ का वाटरप्रूफ शूज़. एंड ट्रैक पे जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, दिस इज वेरी कम्फर्टेबल फॉर डे हाइकिंग, ट्रैवलिंग, एक्सप्लोरिंग. 5 साल हो गए, आई हैव नो कंप्लेंट्स एट ऑल, आई एम नॉट लुकिंग टू स्विच. थोड़े फटने शुरू हो गए हैं, सो आई माइट बाय अ न्यू वन फॉर माय नेक्स्ट बैकपैकिंग ट्रिप, बट This is it. इसके अलावा और मैं कोई शूज़ कैरी नहीं करता. अगर आपको थोड़ा यू नो यू हैव टू कैरी योर डंक्स, यू हैव टू कैरी योर किक्स, डोंट. इट्स अ बैक पैकिंग ट्रिप, कैरी एज लेस एज यू कैन. उसके अलावा वहाँ पे मेरी एक स्लीपर्स रखी हैं, आई कैरी वन पेयर ऑफ स्लीपर्स, अ बेसिक रबड़ वंस विल डू, डोंट कैरी दोज चंकी वंस. आई ऑल्सो हैव अ चंकी स्लीपर्स बट नो कैरी नहीं करता, बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर कि आप कम सामान कैरी कर रहे हो एंड यू आर टेकिंग एज लिटल स्पेस एज यू कैन. देन जो वो लंब सा पड़ा हुआ है, वो मैंने अपने सॉक्स धोए हैं, तो मैंने ऐसे ही वहाँ पर ला के रख दिए. सो इन टोटल आई एम कैरिंग 8 एंकल लेंथ स्पोर्ट्स शॉर्ट्स. उसके यहाँ पर मेरी एक डे कैप है, विच अगेन आई हैव लास्ट 5-6 years, ये 4 क्लास से ही है, ये मैंने डिकैथलॉन से ही ली थी. सो दिस इज इनफ, यू कैन चूज एनी हैट यू वॉन्ट, यू कैन चूज, यू कैन ऑल्सो नॉट चूज इफ यू डोंट लाइक वेयरिंग कैप्स और हैट्स. देन आई हैव ऑर्गेनाइजर, इसके अंदर मैं अपने अंडरगारमेंट्स और हैंडकरचीफ रखता हूँ. एंड आई एम कैरिंग इन टोटल 10 pair ऑफ अंडरगारमेंट्स. अंडरगारमेंट व्हेन आई से आई डोंट कैरी वेस्ट्स, आई कैरी माय अंडरवेयर्स, 10 pair ऑफ अंडरवेयर्स एंड 8 pair ऑफ हैंडकरचीफ्स. तो आपको ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, अच्छा सा ऑर्गेनाइजर लो, ठीक है. आई लिंक एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन विच आई एम यूजिंग पर्सनली टू स्टार्ट ऑफ विद, यू कैन स्क्रोल थ्रू इट. एंड दोज आर माई एफिलिएट लिंक्स, अगर आप उससे परचेज करते हो तो मेरे को भी थोड़ा सा कमीशन मिलता है, विच हेल्प्स मी गो ऑन दिस ट्रिप्स, शेयर माई एक्सपीरियंसेस. तो आप ऐसे ऑर्गेनाइजर रख सकते हो. उसके उस साइड पर रखा हुआ है मेरा लैपटॉप, आई एम यूजिंग अ एप्पल मैकबुक प्रो, द न्यूअर वन, 14-inch स्क्रीन वन, विच इज़ वेरी सफिशेंट फॉर मी. एंड उसके साथ मेरा रखा है चार्जर, और वो मैं इसके अंदर ही रखता हूँ. उसके बाद मेरा है वो कैरी प्रो का ऑर्गेनाइज़र, जिसके अंदर मैं अपने सारे वायरिंग, अपने SD कार्ड्स, कनेक्टर, पेन ड्राइव, फ़ोन का चार्जर, कैमरे का चार्जर रखता हूँ. एंड एवरीथिंग फिट्स परफेक्टली एंड एवरीथिंग इज़ वेल ऑर्गेनाइज ऑन द गो. कभी मुझे कुछ चाहिए, खोला, निकाला, वापस रखा, दैट्स इट. आई लाइक टू बी लिटिल ऑर्गेनाइज. देन आई हैव माई बेल्ट, 2 towels, वन इज़ अ हैंड towel, नॉर्मल लेंथ, एंड वन इस डिकैथलॉन का क्विक ड्राई टाइल, जो मैं अपने ट्रिप पे यूज़ करता हूँ. देन आई हैव दिस डे पैक अगेन फ्रॉम कैरी प्रो. व्हेन आई एम गोइंग आउट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एवरीथिंग, आई जस्ट कीप माय GoPro, अभी भी इसमें रखा हुआ, कल मैं गया था. हाँ, सी माय टिकट फ्रॉम यस्टरडे, वी वेंट टू दिस जटायू अर्थ सेंटर, यू कैन चेक आउट द व्लॉग ऑन माई चैनल. इसमें मेरा वॉलेट है, GoPro है, फेस मास्क है, माई एयरपॉड्स, everything is just kept right here. Okay, I'll keep it back because मेरे को अभी जाना है. Then I have this. So ये मेरा toiletry pouch है, मैं इसके अंदर हर एक चीज़ रखता हूँ, मेरा फेस वॉश, सनस्क्रीन, मेरा शैम्पू, my man matters का testosterone capsules, supplements, my hair wags, body wash, nail cutter, toothpaste. I don't carry a medicine kit अलग से, you can carry it if you have some मेडिकल प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग, यू कैन कैरी अ पाउच अलग से, बट मेरी जो भी 3-4 मेडिसिन है मैं इसके अंदर रखता हूँ. सो इसके अंदर सब कुछ अच्छे से फिट आ जाता है. दिस इज फ्रॉम द क्लाउन फिश. अगेन आई हैव बीन यूजिंग क्लाउन फिश इन द लास्ट 3-4 years एंड इट हैज सर्व द पर्पज फॉर मी एंड चल रहा है.
मस्त चल रहा है। ये मेरे पास पर्सनली पिछले 8 महीने से है और मैंने इसको बहुत जगह लेकर गया हूँ, एंड दिस इज सफिशेंट, काफ़ी सही है। सब कुछ मेरा टॉयलेटरी का सामान इसके अंदर ही आ जाता है। देन आई हैव अ फ्यू बैग्स, प्लास्टिक नहीं यूज़ करता मैं। आई हैव दिस सॉर्ट ऑफ बैग्स कि मैं अपने यूज कपड़े, यूज अंडरगारमेंट्स वगैरह डाल के इसमें रख सकता हूँ, एंड दिस ऑल्सो एक्ट्स एज अ डे बैग। अगर मैं बीच पे जा रहा हूँ टू गो टू द बीच, मेरे को उसके टाल रखने हैं, एंड इसके अंदर मेरे को अपना चेंज रखना है, गोप्रो रखना है, कुछ भी रखना है, टी शर्ट रखनी है एक्स्ट्रा, इसके अंदर डाला एंड आई एम ऑफ टू द बीच। सो आई कैरी 2 or 3 ऑफ दीज पेयर। देन ओवर देयर एट द एंड, वो भी मैंने इसका पार्ट रखा है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको वो अपने शोल्डर पे कैरी करना है, आपके सामान के अंदर ही आएगा। सो दोज आर सुवेनियर्स, गिफ्ट्स, स्पाइसेस, बनाना चिप्स, टी, कॉफी, साड़ी फॉर माय मॉम, केरला स्पेशल हलवा, सी शेल्स, स्पेशल चॉकलेट्स एंड एवरीथिंग, वो मैंने सब कुछ वहीं रखा है बिकॉज वो आपके बैकपैक के अंदर ही आता है और मैं आपको पैक करके दिखाऊंगा कि मैं कैसे पैक करता हूँ। और लास्ट चीज़ है अ बुक विच आई रीड ऑन द गो। आई मेक कॉन्टेंट, आई समहाउ समटाइम्स सी रील, समटाइम्स आई रीड। तो राइट नाउ आई एम रीडिंग इट्स ऑल इन द प्लैनेट्स बाय प्रीति शेनॉय, एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई बैकपैक, एंड ऑल्सो योर आईडी कार्ड्स जो मेरे उसमें ही पाउच में रखे हुए हैं। मैंने फूलिशली मैं अपनी बॉटल कोई कोड में भूल गया, तो मैंने एक ये प्लास्टिक की बॉटल ली थी, वो मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। आई एम नॉट लाइक डिस्पोजिंग इट, ये मैं साथ अपने डेली लेके जाऊँगा और रिसाइकल प्लास्टिक डंप में ही फेंकूँगा। सनग्लासेस, दिस इज इट, दिस इज एवरीथिंग, एंड ऑल्सो जो भी गोरिल्ला पॉट जो कुश मैंने अपने फ्रेंड कुश से लिया, थैंक यू कुश इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड दैट कैमरा विच आई विल फिट इन दिस बैग। या दिस इज एवरीथिंग that I am carrying on my backpacking Kerala trip, sufficient for me, this is enough for me, iske alawa mujhe aur kuch nahi chahiye hota. So that is it. Now I quickly show you how do I pack my bag. So before I show you how to pack your bag and how I pack my rucksack and my bag for my backpacking trip, I want to tell you that how to efficiently roll your t-shirts, your jeans, your trousers, your shorts. I personally do ranger rolling. ठीक है, वो मैं अभी यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा बिकॉज एवरीथिंग इज पैक्ड। यू कैन गो एंड चेक आउट माय वीडियो, आई विल टाइम स्टैम्प इट टू दैट पर्टिकुलर पार्ट इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड वॉच इट। मैंने उसमें प्रॉपर करके दिखाया कि हाउ टू रेंज योर रोल योर क्लोथ्स, और इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू वॉच दैट यू कैन ईजिली फाइंड एनी वीडियो ऑन यूट्यूब वेर दे कैन टेल यू हाउ टू रेंज योर रोल योर थिंग्स। अच्छा, एक बात इसमें नोटिस करने वाली है कि आई एम वेरी लकी इनफ टू हैव दिस बैग। बहुत से रक्सैक में ना सिर्फ ऊपर से एक्सेसिबल होता है, साइड से नहीं होता। इसके अंदर बेस्ट चीज़ ये है कि आप अपना सारा सामान साइड से भी एक्सेस इजीली कर सकते हो, बिकॉज आई हैव दैट कन्वीनियंस। मैं आपको साइड से सारा सामान डाल के दिखाऊंगा। आई विल गिव द बेस टू द बैग विद माय जीन्स। सो जैसे एक लेयर आपने बना दी कपड़ों की, आपको दो लेयर बनानी है। तो मैंने जीन्स डाली, अब मैं पहले उसके ऊपर एक चीज़ डालूंगा, फिर मैं एक क्लोथिंग ऐड करूंगा, फिर मैं एक चीज़ डालूंगा। सो मैंने एक यहाँ जीन्स डाल दी, अब मैं उसके ऊपर, उसके आगे नहीं, उसके ऊपर मैं ये मुंड डालूंगा। देन आई विल इंसर्ट वन मोर ट्राउज़र, अब मैं उसके ऊपर अपनी ट्रैकिंग पैंट्स डालूंगा, फिर मेरी लास्ट ट्रैकिंग पैंट्स। और आपको साथ साथ में अपने सामान को सेटल भी कराते रहना ताकि वो अच्छे से कोजी होके पैक होते रहें। वन स्वेटशर्ट, देन आपकी रेंजर रोल करी हुई टी शर्ट्स डालोगे, ये एक के ऊपर आराम से 3-4 आ सकती हैं बिकॉज टी शर्ट्स का सरफेस एरिया एंड बल्की होती है, इतना ज़्यादा नहीं होता। अब आप देखोगे इसमें इतनी स्पेस है कि आप साइड में भी चीज़ें रख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको साइड में भी टी शर्ट रख सकता हूँ और वो ईजिली क्लोज हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं साइड में 2-3 टी शर्ट रख के मैं इसको जिप को यहाँ से क्लोज कर दूंगा, और अब मैं देख रहे हो अच्छे से बैग को एक स्ट्रक्चर मिल गया है। ठीक है, अब मैं जो भी मेरा बचा हुआ सामान है वो मैं ऊपर से डालूंगा। आपको लेयरिंग बनाते हुए चलना है, जैसे आपका सारा सामान लेयर होता रहे, ठूसना मत, लेयर बनाते हुए चलो आराम से। ठीक है, अभी भी बहुत इसमें जगह है। नाउ आई विल एंड द टॉप विद माई शॉर्ट्स।
आई एम सो सरप्राइज के अंदर, इसके अंदर कितना ज़्यादा सामान आ जाता है अगर आप ढंग से पैक करो। मेरे सारे कपड़े जितने मैंने दिखाए सब इसके अंदर आ चुका है, सब क्लियर है वहाँ से, और मैं अभी भी इसके अंदर ऊपर कुछ रख सकता हूँ। जो मैं यूजुअली अपना अंडरगारमेंट्स वाला बैग रखता हूँ, अभी मेरा बैग सेटल हो चुका है और मैं इसके अंदर ऊपर से अपना टॉयलेट वाला बैग डाल दूँगा। आई जस्ट ले इट आउट फ्लैट ताकि बैग को ऊपर से भी अच्छा स्ट्रक्चर मिल जाए जैसे नीचे मिला था, एंड जस्ट पैक इट लाइक दिस। अभी ऊपर से अच्छे से पैक हो चुका है। नाउ इस बैग की स्पेशल बात यह है कि इसके अंदर यहाँ भी स्पेस है, तो मैं इसके अंदर अपनी हैंड डाल रखता हूँ एंड माई बेल्ट एंड माई डे कैप। नाउ आई जस्ट क्लिप इट, इट इज नाउ वेल क्लिप्ड एंड द बैग अंदर से इज रेडी टू गो। लाइक लुक एट इट, वो ऐसे पैक करो आप कि अगर आप उसको रखो भी तो वो आराम से बैठा रहे, अब वो हिलेगा नहीं, हवा से गिरेगा नहीं, उसको अपनी शेप मिल चुकी है नीचे से ऊपर से, इट इज़ परफेक्टली बैलेंस्ड आउट। अब इसके अंदर लेफ्ट और राइट में दो जगहें हैं जिसके अंदर मैं एक साइड पे अपने सॉक्स रखता हूँ। अभी के लिए मैं सॉक्स ठूस रहा हूँ क्योंकि वो ऐसे रखे हुए हैं पैक, उनको रेंजर रोल करने में टाइम लगेगा, बट आप प्लीज़ ठूसना मत कुछ भी, अच्छे से उसको रोल करो, अच्छे से रख सकते हो अपने सॉक्स को। तो यहाँ मैंने एक साइड पे मैं अपनी सॉक्स रखता हूँ और दूसरी साइड पे ऐसा ही एक दूसरी साइड है, यहाँ रखता हूँ मैं अपनी टाल। इसके अंदर आपके पास दूसरी साइड पे जिप पे यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स हैं, की रिंग है, यहाँ पे आपके आप कीज टांग सकते हो, फ़ोन के लिए यहाँ जगह है, अपना फ़ोन यहाँ रख सकते हो, सनग्लासेस रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, बट मैं ये उस वाले ऑर्गेनाइजर में यूज़ करता हूँ, यहाँ नहीं यूज़ करता। एंड यहाँ पे इसके पास एक कंपार्टमेंट है जिस पे आप अपना कुछ आईडी प्रूफ या फिर मेट्रो कार्ड वगैरह रख सकते हो। सो नाउ दिस बैग इज़ रेडी, आई विल कीप इट असाइड एंड वी विल गो फॉर द नेक्स्ट बैग होबो 2025। इस पे मैं शुरू करूँगा रखने से अपना लैपटॉप, और यहाँ पे ही ऊपर एक कंपार्टमेंट है जहाँ पे मैं अपना चार्जर रखता हूँ, नेटेड कंपार्टमेंट। उसके बाद उसके ऊपर और भी स्पेस है, बहुत सारी स्पेस है, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर पे अपना शेड्स, हेयर गोज माय बुक। नाउ वी विल स्टार्ट कीपिंग आवर स्टफ फ्रॉम दिस ह्यूज कंपार्टमेंट। I'll start with keeping my organizer. Day pack में सबसे ऊपर रखता हूँ, ये मैं space ऊपर से खाली छोड़ कर आया था ताकि मैं जितने भी gifts लाऊँ मैं gifts उसके अंदर रख सकूँ, तो quickly मैं फटाफट करके सारे gifts डाल देता हूँ। अच्छे से flat ले करो जैसे आपने अपने कपड़े pack करे थे। लास्ट रखा है मैंने अपना टॉयलेटरीज का बैग और इसके ऊपर रखा मैंने अपना डे पैक। नाउ अगर आपने ये दो चीज़ें नहीं रखी होती तो उसकी बेस्ट चीज़ ये है, ये ऊपर से एक्सटेंड हो जाता है। असली इसको पहनने का तरीका है कि आपने सारा सामान अपना रख लिया, अब आप इसको रोल कर सकते हो, इट्स अ वेरी कूल रोल टॉप बैग, ये हो गया तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपके बहुत सामान है तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो एंड यू कैन कीप अदर थिंग्स लाइक योर टॉयलेटरीज बैग एंड एनी अदर थिंग, जो कि मेरे केस में होगा मेरा डे बैग। ये वाटरप्रूफ पाउच के लिए इसमें और उसमें दोनों में जगह है। नीचे यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे एक जिप है, इसके अंदर मैंने अपनी घर की चाबी रखी हुई थी जो मैं यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइज़र में, यहाँ पे आप देखो तो ये एक चाबी का क्लिपर है, यहाँ मैंने अपनी चाबी टांग दी। अब मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस ऐसे खोला और फटाफट ये चाबी यहाँ पे है, ऐसे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कहाँ मेरी चाबी, कहाँ मेरी चाबी। और बेस्ट चीज़ ये है कि उस बैग के जैसे इसके अंदर भी साइड एक्सेस पॉकेट है, सो आई कैन एक्सेस
एवरी फकिंग थिंग इन माई बैग फ्रॉम हेयर. तो आपको नीचे हंट करने की जरूरत नहीं है ऐसे चाचा के, अरे मेरा सामान कहें, मेरा सामान कहें, साइड से पॉकेट खोलो, सामान निकालो, काम खत्म. तो इस साइड पर रखूँगा मैं अपनी पानी की बॉटल, जो भी अच्छे से एक लीटर वाली बॉटल आ जाती है. कैमरा क्यूब में मैं रखता हूँ अपनी चप्पल और इसके अंदर ऐसे जाएगा मेरा कैमरा. एंड यहाँ पे ये जो आपको क्लिपर दिख रहा है, इस क्लिपर में ऐसे जाएगी मेरी जो भी ट्राइपॉड. ये वाटरप्रूफ केस रह गया था जो मैं अभी यहाँ पे नीचे जो उसमें जगह है यहाँ पे मैं अपना वाटरप्रूफ केस डालूँगा. एंड दैट इज इट. बोथ ऑफ माई कैरी प्रो बैग्स आर रेडी. शूज़ में पहन के जाता हूँ. सो फाइनली एवरी थिंग इज पैक एंड रेडी. बस मेरे शूज़ रह गए जो मैं अपने टॉप और बॉटम के साथ पहनूंगा. एंड आई विल नाउ शो दैट हाउ आई कैरी माई कम्फर्टेबल कैरी प्रो बैग्स. ये मैं यूजली रखता हूँ पीछे. इट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. आई जस्ट डू द बकल अप द दिस थिंग एंड आई एम गुड टू गो. दिस इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. पीछे सारा सामान आ गया यहाँ पे. इफ आई हैव टू वॉक, ट्रैक, गो, जम्प, डू मार्शल आर्ट्स, डू दिस, हैव टू डांस, everything, my bag is all set and packed. It's part of my body. So to make sure whatever rucksack you're carrying, if not this, you feel it on your back and it's part of your body. And then when I'm on the go, as you can see, maine tripod yahan rakh diya jaise maine dikhaya tha, aur camera cube ke andar dal diya. And I'll just wear it aage like this. सो विद दिस, जैसे मैंने रोल टॉप करके दिखाया था, रोल डाउन. तो अगर ज़्यादा सामान नहीं है जो मैंने गिफ्ट्स वगैरह लिए, इसको रोल डाउन भी हो जाता, बट बिकॉज आई हैव दैट एडिशनल स्पेस, इट हैज़ कम अप लाइक दिस विद दिस ग्रेट. अब मैं यहाँ से अपना पानी एक्सेस कर सकता हूँ. इफ़ आई हैव टू टेक अ शॉट विद द ट्राईपॉड, आई कैन टेक द ट्राईपॉड आउट, फिक्स इट ऑन माई फोन. इफ आई हैव टू टेक आउट माई डे पैक, जिसके अंदर गोप्रो है, ये निकाला, एयरपॉड्स निकाला, इसके अंदर वापस डाल दिया. उसके नीचे मेरा टॉयलेटरी बैग है, जिसमें मेरे को फेस वॉश करना है, सनस्क्रीन लगानी है, कुछ भी करना है. एंड नाउ विद दिस माय बैग्स आर ऑल सेट एंड यू आर नाउ ऑल रेडी टू गो ऑन योर बैकपैकिंग ट्रिप विद योर हैंड्स एम्प्टी. यू कैन डांस, स्विंग एंड एवरीथिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बिकॉज दिस बैग आर सो कम्फर्टेबल दैट इट फील्स लाइक इट्स पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड इट्स a great workout too. So that is it guys. Everything you have seen in the video is linked down below. Those are my affiliate links. If you will purchase from those, it will help me get a small commission and will help me keep this channel running, make such videos like this. And for these two backpacks, you can use my code BAVAPRO on CarryPro's website and get these bag, and you will get a 10% discount. Not only these bags, the backpack, the organizer, anything on their website they might have launched newly, you can get a 10% discount. And that is it. Thank you so much for watching. Agar aapne yahan tak video dekh liya, I know thodi lambi hai, but this is the only solution you need for your backpacking trip. If you like the video guys, then make sure you are subscribing to the channel. Aap video ko like kar rahe ho, aap notification bell daba rahe ho. Agar aapko video pasand nahi aa rahi to aap dislike bhi kar sakte ho. लेकिन जस्ट मेक श्योर दैट यू टेल मी इन द कॉमेंट्स दैट वाई हैव यू डिसलाइक द वीडियो, आपको क्या पसंद नहीं आया, सो दैट आई कैन इम्प्रूव एज आई गो. दिस वॉज इट. नाउ टुडे इज डे 10th. वी हैव 3 मोर डेज टू एक्सप्लोर वारकला. यू कैन गो चेक आउट माई ब्लॉग्स, सारे इसी चैनल के ऊपर हैं. इफ यू आर नॉट फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम, गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बाबा का हैंडल. मैं उसके अलावा भी स्टोरीज, रील्स, एडवेंचर्स डालते रहता हूँ अबाउट माई एक्सपीरियंसिस, माई स्टोरीज एंड हाउ आई एम परसीविंग द प्लेस. That is it for today, for this video, and I will see you on the next one. We are still walking. Bye.